अधीर रंजन चौधरी जी हैं। अधीर दा, किस तरह से गुजरात और हिमाचल के रिजल्ट को देखते हैं? हिमाचल में तो आप बढ़त पर हैं, लेकिन गुजरात में बुरी तरह हारी है। आप सब जानते हैं, हार चुके हैं, हार तो हार होता है, जीत जीत होता है। पहले से ही हमारा ये हिमाचल में जीतने की हमारी उम्मीद थी, हमारी उम्मीद के मुताबिक हुई हिमाचल में हमारी जीत। गुजरात में नहीं हुई, क्योंकि गुजरात में इतने सारे और जिस तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति हुई है, जो जिस तरीके की ये सियासत किए गए हैं, उसमें गुजरात की जो माहौल थे वो माहौल बिगड़ गई थी। जहाँ हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री दोनों ने ही घर घर जाकर जिस तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की मसला फैला, उसमें सारे माहौल बिगड़ चुके थे। फिर भी हम जीत नहीं पाए, हार तो हार ही होते हैं। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। अरे अगले दिन और ये अगले साल हमारे जो खोए हुए जगह है वो हम जरूर उसको हम वापस लाएंगे, हमारा यथास्थिति हम बहाल करेंगे। हमारा पूरा आम आदमी पार्टी वहाँ पर खाता खोलने जा रही है और इसके बाद वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी हासिल कर लेगी और आपकी कांग्रेस की ही जगह ले रही है। देखिए, कांग्रेस की जगह कांग्रेस के पास ही रहेगी। कोई किसी का जगह ले सकते हैं? कोई राम सिंह हो गए, कोई हनुमान सिंह हो गए, राजनीति इस तरह की चलते है ना। कोई कह दे कि मैं राम जी का पेटेंट ले लिए है, कोई कह दे कि मैं हनुमान जी का पेटेंट ले लिए है, पर इस तरीके की राजनीति चलते है आम लोगों की बीच में। बड़े मतलब एक ध्रुवीकरण की जो माहौल पैदा हुए हैं, उसके लिए सारे मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स होते हैं हिंदुस्तान की, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो थे, उसमें असर तो होते हैं, ये होता है। बहुत धन्यवाद दादा। तो गुजरात में ध्रुवीकरण का खेल खेला गया, ये कहना है कांग्रेस का। अधीर रंजन चौधरी हैं जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं किसी ने राम का कार्ड खेला और किसी ने हनुमान का, और इस वजह से गुजरात में कांग्रेस हारी है। प्रकाश दुबे, जी मीडिया। अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण के चलते, पोलराइजेशन के चलते हम हार गए, लेकिन यहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं बीजेपी ने तो यहाँ पर बीजेपी की रिकॉर्ड जीत की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। बीजेपी ने 2002 में से पहले बीजेपी की बेस्ट परफॉर्मेंस रही थी, अब 2022 में बीजेपी ने अपने उस परफॉर्मेंस को और रिकॉर्ड के साथ बेहतर कर लिया है 2022 में। देखिए, आप इस अपनी स्क्रीन पर नजर डालिए तो आपको सैफरन पूरे तरीके से यानी भगवा डोमिनेट करते हुए दिखाई देगा और कहीं कहीं पर आपको चीड़े दिखाई देंगे कांग्रेस पार्टी के ब्लू के और आम आदमी पार्टी का रेड, और इसके साथ ही अदर्स का ये जो ब्लैक छींटे हैं वो भी आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रिकॉर्ड जीत इसलिए है, रिकॉर्ड जीत कांग्रेस पार्टी के पास। इससे पहले 1985 में 149 सीट्स थी, अब 1985 से 2022 में हम हैं और बीजेपी के पास 150 प्लस सीट्स की बात यहां पर कही जा रही है। अभी आप अधीर रंजन चौधरी को सुन रहे थे, वो ध्रुवीकरण की बात कर रहे थे, तो हमारा स्टूडियो में बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ जब 1985 में माधव सिंह सोलंकी ने ये रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी तो खाम की बात की गई थी। खाम याने क्षत्रिय, एच याने हरिजन, ए याने आदिवासी और एम याने मुस्लिम, तो ये बन गया खाम। और अब जब 2022 में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है तो कांग्रेस पार्टी कह रही है राम। बीजेपी पर जब रिकॉर्ड जीत बीजेपी की है तो कह रही है राम और हनुमान ने जीत दिलाई है, और जब कांग्रेस पार्टी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी 1985 में तो खाम की बात की गई थी, जो कि कास्ट समीकरण थे, क्षत्रिय हरिजन आदिवासी और मुस्लिम्स का ये पूरा कास्ट इक्वेशन था जो कि कांग्रेस पार्टी ने तब साधा था। आपको हम लगातार वोट शेयर भी यहां पर दिखा रहे हैं और ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग एनेक्डॉट्स भी हैं गुजरात की राजनीति को समझने के लिए। बीजेपी वोट शेयर के लिहाज से हालांकि कांग्रेस पार्टी का जो 85 का वोट शेयर था 1985 में उसे मैच नहीं कर पाई है, लेकिन सीटों के लिहाज से बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को जरूर पीछे छोड़ दिया है। और हिमाचल के रुझानों में हम आपको ये भी बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी को सत्ता, जो बार बार सत्ता परिवर्तन का रिवाज था वो कायम रहेगा,
बीजेपी जो कह रही थी राज कायम रहेगा, ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो 37 साल से जो रिवाज बदलने की परंपरा थी वो रिवाज जारी रहेगा। सत्ता बदलने की जो परंपरा थी वो रिवाज जारी रहेगा। बीजेपी का जो नारा था सत्ता भी कायम रहेगी, राज भी जारी रहेगा और रिवाज बदलेगा, इस बार वो वोटर के साथ रेजोनेट नहीं कर पाया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आप यहां पर देख रहे हैं 39 सीट्स पर लीड करते हुए, वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो 26 सीट्स पर यहां पर बीजेपी लीड करते हुए। जल्दी से एक कॉमेंट यहां पर निखिल जी मैं आपका चाहती हूं, क्योंकि वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये देखते हुए कि अधीर रंजन चौधरी आप 2022 में जब बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ रही है तो कह रहे हैं राम, और 1985 में जब कांग्रेस के माधव सिंह सोलंकी ने रिकॉर्ड तोड़ा तो तब बात हुई खाम की, जिसमें क्षत्रिय हरिजन आदिवासी मुस्लिम जो कि अपने आप में कास्ट इक्वेशन और धार्मिक इक्वेशन भी थी। वही मतलब कहना चाहता हूँ कि कास्ट इक्वेशन से ही कांग्रेस उस समय जीती थी, और जब ये 2022 में किसी और तरीके से किसी और सब्जेक्ट में पुनरावर्तन हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई कार्ड को चलता ही है। एक सेकंड, आप कार्ड की बात करें मैं आपको कमेंट पूरा करने के लिए टाइम दूंगी। अभी भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम वो ये कह रहे हैं पूरे नतीजों का इंतजार करना चाहिए, ये कह रहे हैं भूपेश बघेल, और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी जैसा कि आप ट्रेंड्स में भी यहां पर देख पा रहे हैं। सुनिए, हिमाचल में अभी कांग्रेस जो है वो काफी आगे चल रही है, लेकिन कुछ जगह अभी भी भाजपा टक्कर में है, तो क्या लग रहा है वहां पे कुछ संभावना? अब वैसे तो देखिए काउंटिंग चल रहा है तो आखिरी तक इंतजार करना चाहिए, फिर भी हम लोगों की जो उम्मीद थी कि हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी वो बनती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भूपेश बघेल कह रहे हैं काउंटिंग चल रही है, अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए काउंटिंग पूरी होने का, क्योंकि उनसे सवाल ये पूछा गया था जो क्लोज फाइट हो रही है कुछ सीटों पर, और हमने आपको ये दिखाया था। देखिए कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर की बात की जाए तो अब अपडेट है, बीजेपी का वोट शेयर है 43%, कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 44%, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 1% वोट शेयर के साथ, और जो अदर्स की बात हम यहाँ पर बार बार कर रहे थे और यहाँ पर प्रदीप जी कह रहे थे ये जो अदर्स हैं दरअसल ये बागी हैं कांग्रेस और बीजेपी के, और जो हमने एग्जिट पोल किया था उसमें भी आपने देखा था जो अंदरूनी लड़ाई थी, जो इंटरनल फाइट्स थे जिनसे दोनों ही पार्टी जो थी वो ग्रसित रही, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसने दोनों ही पार्टी को कहीं ना कहीं डेंट किया, और इसीलिए अदर्स जो है उनके पास एक सब्सटेंशियल वोट शेयर की प्रेजेंस आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार जश्न की आ रही हैं गुजरात से, थोड़ी देर पहले तस्वीरें आ रही थी हिमाचल प्रदेश से भी जश्न की, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ऑप्टिमिस्टिक थी, और हम आपको लगातार ये भी बता रहे हैं कि गुजरात में क्या हो रहा है। गुजरात में रिकॉर्ड जीत बीजेपी की, उसी तरफ ट्रेंड्स, और 1985 में माधव सिंह सोलंकी ने जबरदस्त जीत दर्ज की थी, तब कांग्रेस पार्टी ने 149 सीट्स जीते थे और 55% से ज्यादा का उनका वोट शेयर रहा था। कांग्रेस के उस रिकॉर्ड को बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया है 2022 में, और ये बीजेपी की भी अपनी अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है, क्योंकि इससे पहले 2002 में बीजेपी ने 127 सीट्स जीते थे और तब वोट शेयर बीजेपी का 49.85% रहा था। निखिल भाई, अदिति जी, वो खाम तियारी की हम जो बात कर रहे हैं तो खाम तियारी के बाद तुष्टिकरण की एक पूरी बात गुजरात में फैल गई, तो बाकी की जितनी भी जाति थी वो कांग्रेस से असंतुष्ट हो गई, और धीरे धीरे ये जो खाम तियारी थी वो फेल होती नजर आई, और आज इसका नतीजा आप देख रहे हैं कि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में। जी निखिल भाई, आप ये बता रहे हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी से जातियां जो थी वो छिटकने लगी और बीजेपी ने उस स्पेस को एक्वायर कर लिया। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सीएम भूपेंद्र भाई पटेल वहां पर हैं, बीजेपी के गुजरात यूनिट के प्रेसिडेंट सी आर पाटिल वहां पर हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसका इंतजार किया जा रहा है। एक तरफ आप लाइव तस्वीरें यहां पर देख रहे हैं, जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी हम आप तक ये लाइव तस्वीरें जो हैं वो पहुंचाएंगे, क्या कुछ कहा जाता है इस रिकॉर्ड जीत पर सी आर पाटिल और सीएम भूपेंद्र भाई पटेल द्वारा, वो सुनना अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो दो तस्वीरें हैं, एक तरफ जो जोश और उत्साह का माहौल है गुजरात में बीजेपी को ये जो रिकॉर्ड मैंडेट मिला है, और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की भी बात होनी चाहिए। तो अगर आज दोनों ही राज्यों के रिजल्ट्स को हम समअप करने की कोशिश करें तो आज ये कहना सही होगा कि कहीं खुशी कहीं गम, तो बीजेपी के लिए गुजरात में खुशी और हिमाचल प्रदेश में फिलहाल जो स्थिति है वो गम की स्थिति लग रही है, और कांग्रेस पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश में खुशी की स्थिति है और गुजरात में वहां पर पार्टी को जिस तरह से एक तरफा हार का सामना करना पड़ा, बीजेपी ने जिस तरह से कंप्लीटली डोमिनेट किया है उसके बाद काफी मायूस कांग्रेस पार्टी जो है वो होगी, कांग्रेस पार्टी के वर्कर होंगे। 155 सीटों पर इस वक्त रिजल्ट्स और ट्रेंड्स मिला दें तो 155 सीटों
पर बीजेपी आगे, कांग्रेस पार्टी 20 सीटों पर थोड़ी देर पहले 19 हो गई है, अब देखिए वो लीड भी घट गई है, 19 सीटों पर आगे आम आदमी पार्टी 5 और अदर्स जो है वो 3 सीटों पर। यहां आगे जोश और उत्साह की तस्वीरें, आतिशबाजी जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं वो लगातार कर रहे हैं, इंतजार किया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की जाएगी। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।